ऐसे कौन से वो ट्रेड्स हैं जो कि जिससे कि लड़की इम्प्रेस हो जाए फर्स्ट मीटिंग में यहाँ पे मैं एक चीज बात करूंगी उन जनरेशन मतलब उन एज ग्रुप के बारे में जो कि अप्रॉक्सीमेट ट्वेंटी सेवन अब के आसपास और अप टू थर्टी फोर थर्टी फाइव का जो एज ग्रुप है मैं उस एज ग्रुप के बारे में भी एज ग्रुप्स होते हैं हाँ एक्जैक्टली एज ग्रुप इसलिए मैटर करती है क्योंकि हर एक इंसान की जो लाइकिंग है ना वो हर एज के साथ चेंज होती है एक सर्वे के तहत ही देखा गया है कि एक औरत को अपने जीवन में चार टाइप के आदमी पसंद आते हैं और आदमी के साथ तो आदमी तो वैसे बहुत सारी पसंद आती हैं <laughs> लेकिन चार कैटेगरी टाइप के जैसे सपोज़ कि अगर मैं स्कूल में थी तो मुझे जो हमारी क्लास का मॉनिटर था वो बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि वो क्लास को अच्छे से मैनेज करता था उसकी क्लास में फर्स्ट रैंक आती थी तो उसके मैथ्स में बड़े अच्छे नंबर आते थे इसलिए वो मुझे पसंद था लेकिन आज जो मेरी एज है उसके अंदर क्या मुझे उन्हीं ट्रेड से कोई लड़का पसंद आएगा कभी भी नहीं आएगा क्योंकि अब मेरी जो चॉइस है मेरी सिचुएशन जो मेरा माइंड सेट जो है वो सब कुछ चेंज हो चुका है अब मुझे कुछ अलग टाइप का आदमी पसंद आएगा और जो इस एज ग्रुप के अंदर मुझे पसंद आएगा वो ही मेरे लाइफ के आगे बीस साल बाद क्या मुझे यही पसंद आएगा नहीं तब तक मेरी वापस से चेंज हो जाएगी लाइक तो ऐसा मेल और फीमेल दोनों के साथ है अब ट्रेड्स के अंदर अब हम लोग अगर बात करें इस एज ग्रुप के अंदर सबसे पहले तो आपका स्ट्रेसिंग पार्ट वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप किसी अच्छी लड़की से मिलने जाओ सबसे पहले तो आप हर किसी से मिलने मत जाओ आप उनसे बात करो इंटरेक्ट करो आप देखो कि वो बात किस टाइप की कर रही है अगर वो बार बार मनी ओरिएंटेड बात कर रही है तो आप समझ जाओ कि उसका मेन मोटिव आपका खर्चा कराना है पहली चीज़ दूसरी चीज़ अगर वो बार बार आपसे बात कर रही है कि आ, मतलब जॉन अब्राहिम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये एकदम टाइगर श्रॉफ की बॉडी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सोनू सूद के कट्स देखे तुमने उसका कॉम्प्लेक्शन कितना अच्छा लगता है इट मीन्स वो लड़की सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल आउटर अपीरेंस को पसंद करती है इस टाइप की लड़कियाँ भी आपको नहीं समझ में आएंगी अगर कोई लड़की आपसे बात करे कि तुम करियर में क्या कर रहे हो तुम्हारे लाइफ के गोल्स क्या हैं तुम्हारे अल्टीमेट जो लाइफ का जो विजन है उसको अचीव तुमने कहाँ तक कर लिया तुम अपने पेरेंट्स को कैसे खुशी देना चाहते हो तुम अपने आगे के बारे में क्या सोचते हो अपने फाइनेंस को किस तरह से तुमने मॉनिटर करना है अगर कोई लड़की आपसे इन टाइप के क्वेश्चंस पूछे तो आप समझ जाओ कि वो लड़की जो है एक अच्छी लड़की है उसका फोर साइटेड उसका एटीट्यूड uh, है और वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग आगे जा सकती तो अगर आपको एक रिलेशनशिप में जाना ही है तो आपको इस टाइप की लड़की को पसंद करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनसे मिलो अनडाउटडली आप बहुत ज़्यादा डिसेंट अपना आउटफिट वेयर करके जाओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये क्योंकि जितना आप अपना डिसेंट अपना आउटफिट रखोगे लड़के जितने डिसेंट होते हैं ना वो उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं फीमेल्स के लिए और वो जितना ज़्यादा इतनी एक्सेसरीज और किस का मतलब अजीब से कॉम्बिनेशन और एक वो कहते हैं ना हिप्पी स्टाइल या छपरी टाइप <laughs> तो इस टाइप के लड़कों को लड़कियां ज़्यादा ना सीरियसली लेती हैं और ना ज़्यादा उनसे इम्प्रेस होती है ये चीज़ है तो आपका आउटफिट जो है वो मैटर करता है अगर हम साइकोलॉजिकली अगर मैं आपको एक बात बताऊँ अगर आपको एक होता है ना कि पहली नज़र में इम्प्रेस करना लुक्स के बेस पे अगर आप चाहते हो कि हाँ उसका अटेंशन मेरे पे जाए तो मेल्स के लिए मैं बताऊंगी कि आप ना कोई पिंक कलर की शर्ट वेयर इन पिंक लाइट पिंक, पिंक पीच इस टाइप के जो शेड्स हैं वो वेयर करके जाओ और फीमेल्स ना आप रेड वेयर करके जाओ तो एक होता ना कि पहली नजर में हाँ एक अट्रैक्शन वो आपको हंड्रेड परसेंट अपने उससे आपको जरूर मिलेगा लेकिन वही आप बॉक्सर पहन के जा रहे हो जिम की टी शर्ट पहन के उल्टी कैप लगा के जा रहे हो स्पोर्ट्स वेयर के अंदर कौन लड़की पसंद करेगी ना कोई भी देखना भी पसंद नहीं करेगी फिर चाहे आप कितने गुड लुकिंग हो तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप वेयर क्या करके जा रहे हो जितना डिसेंट उतना अच्छा एंड ट्राई टू वेयर शर्ट्स या फिर टी शर्ट्स और जैकेट्स आप वेयर करो जैकेट्स लड़कियों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आप जैकेट्स वेयर करो तो इस टाइप का आप आउटफिट अपना वेयर मतलब करके जाओ और प्रॉपर वो फिट होना चाहिए यानी कि अंकल फिटिंग्स हो रही हैं वो नहीं प्रॉपर फिट वो चीज़ होनी चाहिए लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है कि एकदम प्रॉपर फिट आप आउटफिट वेयर करें नेक्स्ट आप अगर शर्ट वेयर कर रहे हो उसको ना अपनी जो रोल्स हैं उसको एकदम मतलब स्लीव्स को को रोल अप कर लो क्योंकि ये ये जो स्किन होती है ये को है फीमेल्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती और मेल्स का सबसे बहुत ज्यादा बॉडी पार्ट जो होता है मेल्स का जो फीमेल्स को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है वो यही लगता है उनके फोर आर्म्स अच्छा हाँ तो आप अगर अपनी स्लीव्स को रोल अप करके आप जाओगे तो लड़की आधी तो वहीं पे आपसे इम्प्रेस है I आप करके जाओ आपको सच में अच्छा लगेगा फिर नेक्स्ट है कि कलर कॉम्बिनेशन विच यू आर वेयरिंग बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं एकदम चटक ऑरेंज कलर की टी शर्ट के साथ आप वेयर करके जा रहे हो ग्रीन कलर के ट्राउजर्स मतलब क्यों वो वहीं दूर से ही भाग जाएगी वो आपको समझना चाहिए डिसेंट जो है ना आँखों को अच्छे लगें डिसेंट लगें आप वो वेयर करके जाओ ट्राई टू वेयर लिनन शर्ट्स लिनन शर्ट्स पेस्टल कलर्स के अंदर आप वो ट्राई करो बहुत ज्यादा क्लासी और रिच लुक आपको देगी आपके पर्सनैलिटी को आप इस टाइप का वेयर करो और तो ये ये एक कुछ तरीके हैं कि आप क्या चीजें वेयर करके जा रहे हो आधी लड़की वहां पर इम्प्रेस हो गई नेक्स्ट है आप वॉक करो एकदम स्ट्रेट देख के वॉक करो इधर उधर लड़के क्या करते हैं ये पॉकेट में हंडल इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं क्यों सामने देखो ना सामने देख के बात करो और अगर सामने वो ही लड़की बैठी है उसको देखते तो हुए वॉक करो आधी वो वहीं पिघल जाएगी <laughs> उसको देखो आई कॉन्टैक्ट इज मस्ट आपको अगर किसी लड़की को इंप्रेस करना है आप उसको स्टेयर करो उसको देखो लेकिन वो बलगर स्टेयर नहीं होना चाहिए ये नहीं की तीन सेकंड हो गए चार सेकंड हो गए उसके बाद घूरे ही जा रहे हो घूरे ही जा रहे हो ऐसा नहीं okay. आप उसको देखो कॉन्फिडेंटली उसको देखो वो चीज़ लड़कियों को बहुत अच्छी लगती है जितने कॉन्फिडेंस के साथ जाके आप आगे खुद बढ़ के अप्रोच करोगे तो लड़की उतनी ही आपसे इम्प्रेस होगी लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि 90 परसेंट मेल्स ये सोचते हैं कि हम लीग में ही नहीं है मतलब ये सोचते हैं कि इतनी सुंदर लड़की हमें क्यों पसंद करेगी हम तो लीग में ही नहीं है okay. हम तो उसके लायक ही नहीं है तो हमें अप्रोच भी नहीं करना चाहिए ओके okay. तो ये एक सबसे बड़ी गलत है। अगर आप ये चीज सोचते हो तो एक तो आप अपना नुकसान कर रहे हो है ना दूसरा शायद आप लीग में थे ओके। okay. <laughs> लेकिन आपने अपने आप को बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया तो इसलिए लड़की भी हाथ से चली जाती है।